नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिसने इस वक्त देश के युवाओं को जकड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो युवाओं की संख्या हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा है, और उसके कंपैरिजन में हमारे पास नौकरियां बहुत कम हैं, यानी कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कई ऐसी योजनाएँ हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, कई ऐसी लोन की योजनाएँ हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, ताकि कम से कम एक स्टार्ट देने के लिए, एक बिज़नेस को स्टार्ट देने के लिए युवाओं के पास फाइनेंशियली कुछ हो, कुछ पैसा हो। क्योंकि मैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस को अगर शुरू करना है, छोटे से छोटा बिज़नेस भी हो, उसको भी शुरू करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में कई ऐसी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। उनमें से एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। आज हम इसी योजना पर बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस योजना के तहत आप आवेदन भर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी ब्याज दरें आप दे सकते हैं जब आप लोन दे, आपको लोन लेना है, और इस लोन की सीमा क्या है। तो चलिए इस पर विस्तार से रोशनी डालते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से उतारा जा सके, इसके लिए जिला उद्योग केंद्र और उद्योग निदेशालय को अहम जानकारियां सौंपी गई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए पात्रता। योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। वहीं महिलाओं, पूर्व सैनिक, विकलांग, एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए इसमें 10 साल की उम्र की छूट दी गई है। यानी ये होम लोन 35 की उम्र के बाद भी अगले 10 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की मंथली इनकम 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तकनीकी ज्ञान का प्रमाण पत्र है तो भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम 8वीं पास हो, साथ ही उसके पास 8वीं पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जिस भी स्थान से आप आवेदन करें वहां आप कम से कम 3 साल से रह रहे हों। आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पहले से किसी भी सरकारी बैंक से लोन ना ले रखा हो। अब बताते हैं कि इसके तहत किस तरह के उद्योग लग सकते हैं। खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत ऊर्जा, वस्त्र उद्योग लेकिन खादी को छोड़कर, सेवा उद्योग। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ब्याज दर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार समय समय पर उसी हिसाब से ब्याज दर का फैसला किया जाता है और ब्याज दर लगाया जाता है। ताज़ा समय में अगर आप इस योजना के माध्यम से लोन लेते हैं तो 25,000 रुपये पर आपको 12% ब्याज भरना पड़ेगा। वहीं 25,000 से 1,00,000 तक की रकम पर ब्याज दर 15.5 वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर लोन की रकम अधिक होगी तो ब्याज दर और अधिक हो जाएगा। अब बात आती है कि लोन कितना आपको मिल जाएगा इस योजना के तहत। तो आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग लोन की दरें तय की गई हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के लिए 2,00,000 रुपए की अधिकतम लोन रकम तय की गई है। वहां कारोबार क्षेत्र के लिए 1,00,000 रुपए और कार्यकारी पूंजी के लिए 10,00,000 रुपए तक की अधिकतम रकम अदा की जा सकती है। PMRY चयन प्रक्रिया होगी ऐसी। योजना में आवेदकों के चयन के लिए जिला स्तरीय द्वारा आवेदकों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में पास किए गए आवेदकों के फॉर्म को बैंक के पास जांच और स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। योजना के अंतर्गत किस आवेदक को लोन दिया जाएगा इसे तय करने का अधिकार बैंक के पास ही होगा। इन सभी स्तर पर पास होने के बाद चुने गए आवेदकों को बैंक द्वारा पूंजी दी जाएगी। लोन की महज 15% राशि या अधिकतम 7,500 रुपये ही नकद दिए जाएंगे। अपने बिजनेस का 5% धन आवेदक को ही लगाना पड़ेगा। लोन की रकम अगर 6 से 8 महीने के भीतर वापस करने पर ब्याज दर नहीं लगाया जाएगा। वहीं इस समय को पार करने के बाद बैंक ब्याज सहित लोन की रकम वसूलेगा। लोन की रकम को चुकाने के लिए 3 से 7 वर्ष तक का समय दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस योजना के तहत लोन लेना है तो आवेदन कैसे दें। आवेदन के लिए आप ऑफिशियल साइट पर जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म पर पूछी गई सभी जानकारियों को पूरी तरह भरकर फॉर्म सबमिट करें।
दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जुड़े आवेदन को कैसे भरना है इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल में विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई भी आशंका है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, ज़रूरी नहीं इसी वीडियो को लेकर, लेकिन तमाम अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।